Redmi Note 4 के लिए सियाड्रॉइड का एक न्यू अपडेट आया हुआ है। सियाड्रॉइड ये एंड्रॉइड 12L पे बेस्ड है। पिछला वीडियो सियाड्रॉइड का 8.9 पे किया हुआ था। अब उसके बाद जो भी चेंजेस हुए हैं इन स्पीड में बताऊंगा। हालांकि चेंज काफ़ी हुए हैं जिनके बारे में आपको बताऊंगा इसके अंदर क्या कुछ फ़र्क पड़ा है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सियाड्रॉइड का ये 8.12 बिल्ड है। लास्ट जैसे कि बताया 8.9 का किया था। एंड्रॉइड 12L पे बेस्ड है। अब जो सिक्योरिटी पैच है वो भी अब 5 दिसंबर 2022 की लेटेस्ट मिल जाती है और जो वेंडर है वो भी 5 नवंबर 2022 का मिलता है। कर्नल पहले यहाँ पे मेंटेनर के नेम का ही देखने को मिलता था। हालाँकि अभी यहाँ पे वैसे भी ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट अगर वर्जन के हिसाब से देखें तो अपडेटेड मिल जाता है पहले के हिसाब से यहाँ पे। और नेटवर्क एंड इंटरनेट के अंदर भी यहाँ पे जो हॉटस्पॉट दिया गया इसके अंदर कुछ चेंजेस हुई हैं। जैसे कि अब आपको बैंड्स देखने को मिल जाएगा, 5 GHz तक का बैंड पहले यहाँ नहीं शो करता था। साथ साथ हिडन नेटवर्क ऑप्शन अब ऐड किया गया और कनेक्टेड डिवाइसेज जो है 16 डिवाइस आपके यहाँ पे मिल जाते हैं जिनको आप यहां से लिमिट अपने हिसाब से सेट कर पाओगे। तो ये न्यू मिल जाता है और कोई चेंज यहां पे नहीं हुआ है। कनेक्टेड डिवाइसेज के अंदर में हमारा जो कास्ट है पहले की तरह बिल्कुल काम कर रहा है, यहाँ पे आपको कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। वहीं अगर हम बात करें इसके ऐप्स की, यानी कि इसके अंदर जो लॉन्चर मिलता है, लॉन्चर तो आपको सेम मिल जाता है। यहाँ पे भी एक चेंज सिर्फ है, आइकन में कोई चेंज नहीं है। जो होम स्क्रीन है वो भी आपका सेम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बाहर में चलते इसके ऐप ड्रॉयर की तरफ तो सो आइकन लेवल इन ऐप ड्रॉयर जो ड्रॉयर का दिया गया ये न्यू है। बाकी आपका पूरा सेम रहेगा। रीसेंट या मिसलेनियस देखोगे वही पहले वाला रहेगा, यहाँ और कोई चेंज आपको नहीं मिलेगा। नोटिफिकेशन भी सेम ही है। अगर हम बैटरी की बात करें तो बैटरी के अंदर में भी आपको यहाँ पे कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। बैटरी की जो सेटिंग्स है वही पहले वाली ही देखने को मिलती है। लेकिन अगर हम बैटरी की बात करें तो 2 आवर 50% ब्राइटनेस पे वीडियो प्ले करने के बाद 85% मिला है। पिछले में 87 देखने को मिला था लास्ट जब रिव्यू उस टाइम पे किया हुआ था। और अब हम यहाँ पे चलते हैं इसके साउंड एंड वाइब्रेशन की तरफ। तो यहाँ पे भी कुछ चेंजेस देखने को मिली हैं। जैसे कि आप नीचे आओगे तो हालांकि जो यहाँ पे ड्रेक साउंड दिया गया उस टाइम पे काम नहीं कर रहा था मेरा, बट इस बार चेक किया हूँ बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रहा है। और यहीं पर नीचे ऑडियो एम्प्लीकेशन के नीचे में क्लियर स्पीकर का एक ऑप्शन था जो इस अपडेट में फिलहाल रिमूव हो गया है और कोई चेंज आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। अब डिस्प्ले के अंदर कुछ चेंजेस हुए इसके लॉक स्क्रीन के अंदर में, कि यहाँ पे सबसे लास्ट में एम्बिएंट डिस्प्ले जो देखने को मिल रहा है पहले सिस्टम के अंदर हुआ करता था, अब यहाँ पे मूव कर दिया गया और यहीं पे बैक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन का ऑप्शन था उसको रिमूव कर दिया गया है। ये सिस्टम के अंदर से यहाँ पे जो है आया हुआ है। बाकी फिर नीचे में यहाँ पे आपको नाइट लाइट के नीचे लाइव डिस्प्ले का एक ऑप्शन था वो रिमूव हो चुका है। और एक्सीडेंटल बैकअप का जो ऑप्शन ये ऐड हुआ है ये न्यू आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पे लास्ट में डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन का एक ऑप्शन था वो फिलहाल रिमूव हो चुका था। ये कुछ चेंजेस आपको मिलते हैं डिस्प्ले में। एंड वॉलपेपर स्टाइल के अंदर हालांकि ऐसा कुछ चेंज आपको नहीं मिलता। जो वॉलपेपर मैं यूज़ करो डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। बाकी डिफ़ॉल्ट वही सेम पहले वाला रहेगा, तो यहाँ कुछ चेंज नहीं है। एक्सेसिबिलिटी सेम रहेगी। सिक्योरिटी की बात करें तो हालांकि यहाँ पे भी आपको चेंज नहीं मिलेगा, डिक्रिप्टेड रोम ही आता है। फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक मिल जाता है और सेटिंग्स के मामले में भी कोई चेंज नहीं है। बाकी रिस्पॉन्स अगर हम देखें तो फिंगरप्रिंट का कुछ इस तरीके का रिस्पॉन्स मिल जाएगा जो कि काफ़ी फास्ट है। तो यहाँ पर दिक्कत फिलहाल आपको नहीं होनी। फेस अनलॉक के लिए आपको पहले भी बोला था फेस अनलॉक थोड़ा सा डिले से रहता है, बट फिंगरप्रिंट जो है वो आपका बिल्कुल तगड़ा वाला रिस्पॉन्स जैसे पहले था उसी तरीके से देखने को मिल जाता है। यहाँ कुछ और चेंज नहीं आया है। फिर नीचे में यहाँ पे हमारा जो है डिजिटल बल्बिंग हालांकि सेम रहेगा। सियाड्रॉइड की सेटिंग्स की बात करें तो स्टेटस बार के अंदर तो कोई चेंज नहीं हुआ, स्टेटस बार जैसा पहले था वही रहेगा। क्विक सेटिंग्स ये भी आपको पहले वाली मिल जाती, इसके अंदर भी कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला है। पूरा A to Z आपकी सेटिंग सेम है। लॉक स्क्रीन के अंदर में देखोगे तो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन नेविगेशन बार की बात करें तो यहाँ पे नेविगेशन बार आप इस तरीके से इनेबल करोगे, उसके बाद आपको सिस्टम में जाना पड़ेगा जो कि पहले भी बताया था। यहाँ पे फिर जेस्चर के अंदर आपका सिस्टम नेविगेशन शो करता है तो यहाँ से आप जेस्चर का यूज़ कर पाओगे। हालांकि साथ में हार्ड बटन का भी यूज़ कर पाओगे, बट चेंज के मामले में कोई चेंज आपको नहीं मिलता। हार्ड बटन साथ में काम करता है तो जेस्चर यूज़ करके आप यहाँ पे इनेबल करके यूज़ कर सकते हो हार्ड बटन का भी। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि कुछ कुछ रोम में सिर्फ इन डिस्प्ले ही यूज़ कर सकते हो, हार्ड बटन नहीं। लेकिन यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो तो यहाँ से इनेबल कर लेना। बाकी सेटिंग में तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन बटन वाले सेक्शन में एक्स्ट्रा का जो ऑप्शन है यहाँ पे, ये जितने भी ऑप्शन मिल रहे सब न्यू है। डिसेबल हार्ड बटन न्यू है, क्लिक टू पर्सन स्क्रीनशॉट न्यू है, बैक लाइट पहले भी काम करती थी हार्ड बटन टाइट बट सेटिंग नहीं थी, ये आप मिल जाती है। डेंटल टच भी यहाँ पे दिया गया है और पावर मेनू तो पहले था, बट यहाँ पे जो होम स्क्रीन के लिए होम बटन हो गया, बैक बटन हो गया और रीसेंट के लिए जो शॉर्टकट्स मिलते हैं ये पहले नहीं मिलते थे, अब ये भी जो है यहाँ पे न्यू मिल जाते। फिर नीचे वॉल्यूम वाले जो ऑप्शन है ये वॉल्यूम बटन वाले ये आपके पहले से ही थे। एंड यूज़र इंटरफेस के अंदर में कोई चेंज नहीं है, ये आपका पूरा सेम रहेगा सभी आइकन्स। एंड इंटरफेस के अंदर में
यहाँ पे भी हमें जो है कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलती, बट यहाँ पे एक चीज़ आपका जो बैटरी लाइट है वो अब फिक्स हो चुका है, पहले काम नहीं करता तो उस टाइम पे, बट अभी काम कर अच्छी तरीके से। साउंड के अंदर में एडिप्टिव प्लेबैक का ऑप्शन न्यू देखने को मिल जाएगा और कोई चेंज आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, सारी चीज़ें पहले जैसी है और मिसलेनियस भी एक तरीके से आपका पूरा सेम ही रहेगा। ये सारी चीज़ें जो है पिछले में गेम्स पे आपको बताया था चेंज हुआ था, बट चेंज के मामले में यहाँ पे इस अपडेट में कुछ भी चेंज मिसलेनियस में फिलहाल नहीं मिलता है, तो ये चीज़ें रहेंगी। वहीं सिस्टम के अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हालांकि आपका पूरा सेम ही है, यहाँ कुछ चेंज नहीं मिलता, ये आपका बस लास्ट में अम्बिन डिस्प्ले जैसे कि बताया जो डिस्प्ले के लॉक स्क्रीन में चला गया है यहाँ से मूव होके वो गया है, बाकी और कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ बाहर आपका सब कुछ सेम रहेगा। एनिमेशन के मामले में अभी भी आपको थोड़ा लैग देखने को मिलेगा इसके अंदर, जैसे पहले था उसी तरीके से लैग अभी भी मिल जाता है, तो लैग के मामले में ऐसा कुछ भी आपको चेंज यानी कि फिक्स ऐसा कुछ नहीं मिलता, पहले जैसे हल्का लैग करता है। हालांकि टाइल्स भी वही पहले वाली सभी के सभी टाइल्स मिल जाते, पर लास्ट में कैलकुलेटर का टाइल था वो रिमूव हुआ है, और कुछ आपको चेंज नहीं मिलेगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की सेटिंग्स पहले वाली रहेगी, स्किप टाइमर मिल जाता है और स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद हालांकि ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ऐसा नहीं कि आपका जो नॉर्मल लैग कर रहा है वो काफ़ी हैवी लैग करने लग जाता है, ऐसा कुछ नहीं है, जो नॉर्मल है उसी टाइप से रहता है, ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ में भी। अब वॉल्यूम पैनल भी आपका एक्सपैंड वाला पहले था वही आपको देखने को मिलेगा। ऐप ओपनिंग के मामले में भी कुछ एप्लीकेशन थोड़े डिले ज़रूर मिलते हैं, बट एनिमेशन में उतना कुछ खास आपको दिक्कत नहीं देगा, तो ये भी आपका वही पहले जैसा ही देखने को, यहाँ पे भी ऐप ओपनिंग एनिमेशन ये सब पहले जैसा है, रिसेंटली सेम ही देखने को मिल जाता है। कैमरे की बात करते हैं तो इसके अंदर जो पहले ग्राफिनोस वाला कैमरा मिलता था वही कैमरा रहेगा, सेम है, GCam मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। ऑडियो इफेक्ट्स का बग अभी मिलता है, काम नहीं करता। और एक चीज़ और है, FM इसके अंदर पहले था बट अभी जो है इस अपडेट में FM रिमूव कर दिया गया, देखने को नहीं मिलता। गैलरी नॉर्मली रहेगी, गेम स्पेस भी यहीं पर मिल जाएगा। ओके गूगल का बग तो मिलेगा ही, चेक किया काम नहीं कर रहा, पहले भी काम नहीं करता था, और कुछ यहाँ पे नहीं है। गूगल फोटो ऐसे इंस्टॉल करोगे तो अनलिमिटेड स्टोर देखने को मिल जाएगा। प्ले स्टोर की अगर बात करें तो प्ले स्टोर पहले की तरह बिल्कुल सर्टिफाइड रहने वाला है, यानी कि सेफ्टी नेट इसके अंदर पास आता है, तो बैंकिंग ऐप को लेकर के कोई दिक्कत नहीं रहेगा, विदाउट रूट भी आराम से बैंकिंग ऐप यूज़ यहाँ पे कर पाओगे, सेफ है, कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। और कॉलिंग के अंदर में भी अब जो है ASP डायलर मिल जाता है इसके अंदर, पहले MIUI वाला वो वाला था, कहते हैं गूगल वाला, अब ASP मिलता है। यहाँ पे प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम कर रहा है, वोल्टी काम कर रहा है, कैरियर वीडियो कॉल का बग रहेगा, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग बिल्कुल इसी तरीके से काम कर रही है, और ब्लूटूथ डिवाइस की बात करें तो मीडिया कॉलिंग दोनों पे काम कर रहा है, उसमें हमें कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रहा था, ये भी अच्छा है। एंटूटू स्कोर 128,194 मिला है, पिछले में 122,000 तक देखने को स्कोर हमें मिला था, जो कि सिमिलर आसपास मिल जाता है। और इसका जो गेम स्पेस है सेम रहेगा, सेटिंग्स के मामले में ऐसा कुछ भी चेंज नहीं है, सेटिंग्स आपको वही पहले की तरह ही मिल जाती है। अगर हम ग्राफिक की बात करें तो ग्राफिक भी बिल्कुल सेम जैसे पहले मिला करता था उसी तरीके से रहेगा, ग्राफिक में भी ऐसा कोई चेंज आपको देखने को एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। स्मूथ पे 90+, बैलेंस पे मीडियम ही रहेगा, था हम स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेलेंगे क्योंकि उसके ऊपर हमारा डिस्प्ले सपोर्ट नहीं करेगा। और गेमिंग की बात करें तो गेमिंग अभी भी आपको वही नॉर्मल जैसे ठीक ठाक पहले बताया था उसी टाइप से, ज़्यादा अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस भी यहाँ पे नहीं मिलती है। और एनिमेशन तो फिलहाल ठीक ठाक है, उसमें इतना दिक्कत नहीं है, बट गेमिंग आपको ज़रूर क्लासिक के अंदर थोड़ा दिक्कत देगा, इसलिए गेमिंग के मामले में ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। तो ये कुछ चेंजेस हैं, यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें इस अपडेट में फिलहाल देखने को मिल जाता है इस बिल्ड के अंदर में। तो यही था आज की इस वीडियो में, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।